नमस्कार, मैं हूं रवि गोयल। बात करेंगे आज पब्लिक मीटर में जांजगीर चांपा विधानसभा की। जानेंगे लोगों की राय कि विधायक कैसा विधायक वो चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करेंगे और विधायक को लेकर क्या सोच है उनकी, कैसा विधायक होना चाहिए। जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। चुनाव तो मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे बेरोजगारी का मामला है और जो क्षेत्र में बढ़ते हुए औद्योगिकरण है उनके कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं आसपास के क्षेत्र में, और कुछ विकास के मुद्दे भी रहेंगे, जैसे जो रोड है, मूलभूत सुविधाएं हैं, पेयजल की समस्या काफ़ी हो रही थी गर्मी के समय में, तो ये सब तो मुद्दे रहेंगे ही। और साथ में ऐसा विधायक चाहेंगे जो सक्रिय हो और क्षेत्र की जो जनता है उनसे उनके समस्याओं के निराकरण के लिए जो आपसी तालमेल है वो बना रहे। और जैसे अभी जो मुद्दे थे वर्तमान में वो आपके ODF के जो दावे किए जा रहे हैं कि पूरा ODF मुक्त हो चुका है क्षेत्र जो है, ये सब जो दावे हैं और उनमें जो घोटाले हुए हैं वो आसपास के क्षेत्र के जनताओं को दिख रहे हैं, सभी लोगों को। और जो निर्माण काम है वो काफ़ी रुके हुए हैं, जैसे अपना चांपा में जो रोड का निर्माण है गौरव पथ का, वो भी रुक गया आचार संहिता के चलते, और जो बाकी सब रोड और पुल जो बनने वाले थे काफ़ी रुके हुए हैं। यहाँ पर जो ओवरब्रिज है ये बन रहा है, चांपा में ओवरब्रिज बन रहा है, जांजगीर में बन रहा है, इन दोनों का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। मुख्य जो मुझे लगता है मुद्दा जो रहेगा वो आसपास की जो बेरोजगारी है और जो पर्यावरण में जो मतलब प्रदूषण जो बढ़ रहा है, ये तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। और साथ में जो क्षेत्र का जो विकास है वो रुका हुआ है, क्योंकि निर्माण कार्य या जो स्टाफ की कमी है स्कूलों में, अस्पतालों में, ये सब जो समस्याएं हैं इनसे अभी क्षेत्र की जनता त्रस्त है। डेवलपमेंट रुका हुआ है, धीमे गति से चल रहा है बताया जा रहा है, क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ बहुत है और बेरोजगारी की समस्या के कारण आए दिन यहाँ पे पलायन हो रहा है, वो पलायन को मेन रोकना पड़ेगा, क्योंकि उस और जांजगीर का जिले का जो विकास है वो विकास कहीं से दिखता नहीं है। तो जो भी इस बार विधायक हो, हमें विधायक नहीं एक विकास पुरुष चाहिए, और विकास पुरुष ही इस शहर का, इस ज़िले का विकास कर सकता है। ऐसे भी जांजगीर आज भी देखा जाए तो उस जिले जैसा नहीं लगता है जैसा ज़िला होना चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के इस बार वोट करने जाएंगे विधायक, क्या उम्मीद है आप? यही है, 20 साल से जिला घोषित हो चुका है लेकिन 20 सालों के हिसाब से ज़िले में कोई भी काम नहीं हुआ है। सबसे मुख्य समस्या तो यहाँ एक्सीडेंट का है, जो बाईपास सड़क ना होने की वजह से हो रहा है बार बार। तो यहाँ का जो बाजार है और बीच बाजार से यहाँ भारी वाहनों का जो प्रवेश है उसको बंद किया जाए, जल्द से जल्द जो बाईपास है उसका निर्माण किया जाए। क्या लगता है क्या मसला रहेगा? वही है, जैसे भी हो जो भी विधायक बने अपने जांजगीर जिले का विकास होना चाहिए, और बाकी जो जो काम रुका हुआ है ओवर ब्रिज का है, NH का है, PWD रोड है, गौरव पथ है चांपा का, सब विकास होना चाहिए। जैसे भी कोई विकास पुरुष चाहिए अपन को, बस। जो विधायक है अभी वर्तमान के विधायक हैं मोतीलाल देवांगन जी, पिछले चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी उन्होंने, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? इस बार अब विकास के ऊपर ही बात है, तो अब जो अब उनका ऐसा विकास है कि वो एक साइड ज़्यादा हो जाते हैं एक साइड कम हो जाते हैं, उस हिसाब से उनका विकास का वो है। और विकास का ऐसा है कि सरकार को अस्पतालों में भी साफ़ सफाई करना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत। इधर नगर में आपका हर गली में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, इसका सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका में भी हमने गए थे, ज्ञापन सौंपा है लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उसका डेंगू को छिड़काव का नहीं किया गया है, इसमें मुद्दा है। जैसे चौड़ीकरण है, डिवाइडर वहाँ गौरव पथ बन गया है, वहाँ पर डिवाइडर बना दिया गया है क्योंकि रोड चौड़ा है नहीं, उसके पहले ही उसके बीच में डिवाइडर बना दिया गया है, उसको बनाने के लिए सरकार को काम करना। बिजली पानी सड़क के अलावा क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दे और भी जो है, भ्रष्टाचार से भी जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं क्षेत्र से और क्षेत्र की जनता ने चुना है, तो उन्होंने अपने मतलब अपने वादों पे उतना खरा नहीं उतर पाए हैं जो प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में और जो जिन्होंने जिनको चुनकर विधानसभा भेजा गया है। तो और इसके अलावा जो क्षेत्र की जनता है वो जो पूर्व में चुने गए विधायक थे जो दोनों पार्टियों से आते, जो दोनों पार्टियों से, उनके निष्क्रियता और उनके उदासीनता से परेशान है क्षेत्र की जनता।
इस बार क्या लगता है, इस बार जो है जैसे कि यहाँ का समीकरण देखा गया है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार क्या लगता है क्या होगा? अभी तो ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों बराबरी का रहेगा और हमारे ख्याल से तो ये है कि जो भी डिसीजन हो, लेकिन डिसीजन के अलावा जो भी विधायक बने वो विकास पुरुष ही होना चाहिए, और डिसीजन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कांग्रेस भारी दिख रहा है। कार्यकाल जो रहा विधायक का कैसा रहा, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? कार्यकाल से तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो देवांगन जी जो हमारे यहाँ से विधायक हैं उनका ऐसा है कि उनका आना बहुत कम होता है, परंतु उसके बावजूद भी जो दूसरे पक्ष में हैं वो भी लगातार चल रहा है कि कभी उलट कभी पुलट, लेकिन जब भी कांग्रेस कहीं से थोड़ी सी भारी दिख रही है। अभी जो है भाजपा से टिकट फाइनल हो गई है, नारायण चंदेल को टिकट दिया गया है, क्या लगता है कितना दमदारी रहेगा इस बार? वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कांग्रेस किसको टिकट दे रही है, उसके आधार पर तय किया जा सकता है कि कौन ज़्यादा भारी है। जिले का जो एक समीकरण रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या लगता है इस बार ये दोहराया जाएगा या कुछ नया होगा? इसके बारे में तो कह नहीं सकते अभी। क्या लगता है कितना डेवलपमेंट हुआ है, जो यहाँ के वर्तमान के विधायक हैं कितना सफल रहे हैं अपने कार्यकाल? अभी तक तो सफल नहीं रहे, निष्क्रिय रहे यहाँ के विधायक, और यहाँ डेवलपमेंट तो बहुत कमी हुई है इन 5 सालों में।